और ये बच्चा पार्टी और उसकी माँ, ये उसकी मासी, उनके लिए भी खाना रख दिया गया है। कमांडर को हम लोग दूर भेजेंगे ताकि वो इन पे उनका खाना ये ना करे। देखिए कितनी बारिश हो रही है, आपको स्क्रीन पर दिख सकती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश। आज 1 जून है, फुल बारिश शुरू है। बच्चों, उसकी माँ और मासी के लिए खाना रख दिया गया है ताकि ये लोग आराम से खा ले, इनको दिक्कत ना हो, भूखा ना रहे, बारिश हो चाहे कुछ भी हो। बस बिजली फिर लगती है यहाँ पर, लंबे लंबे पेड़ है और बिजली से अपनी बहुत पड़ती है बस, तो जो दुआ कर रहे जो बिजली बिजली ना गिरे, बाकी बारिश वारिश चलता रहेगा। जा बाबू खेने, जा तू खेने किरे मासी। अभी हम लोग जाके हाईवे के डॉगीज को खाना दे देंगे। बैग भी पूरी भीग चुकी है। खा सोना खा। एक जून की रात और आज तमाम बारिश हुई है। ये लेबर कैंप एरिया और हम बारिश में निकले हैं इन सारे बच्चों को यहाँ पर खिलाने के लिए। यहाँ पर बंटी बबली तो उनको दोपहर में दे दिया गया था, वो लोग वो साइड है पेड़ के नीचे जो शेड है वहाँ पर। ग्रे एंड वाइट है, कैमोफ्लेज है, दोनों ब्लैक ही है, ब्राउन एंड वाइट है, ये फरी ब्राउन एंड वाइट है। और सभी के लिए ज़्यादा खाना रख दिया गया है ताकि सभी खा ले। यहाँ पर एक वाइट और एक ब्राउन अभी भी मिसिंग है, बाकी हमारे सारे बच्चे हैं। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है आज, अभी भी बारिश हो रही है, आप देख सकते हो लाइट में। ये बच्चे पूरे भीग गए हैं। हाय, चुपचाप खाओ भाई। तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे बच्चों को खाना देने और फिर हाईवे, फिर ह्यूस्टन हाईवे। ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बना पाएंगे आज क्योंकि काफी बारिश हो रही है, तो चलते हैं बच्चों के पास। हाय, चुपचाप खाओ, क्यों झगड़ा करो बने करने। एक जून की रात, बारिश हो रही है, सारे बच्चे यहाँ पर है और हमने खाना रख दिया है सभी के लिए ज़्यादा ज़्यादा ताकि सभी बाबू लोग खा लें, किसी को प्रॉब्लम ना आए। फुल बारिश शुरू है। एक जून की रात, बारिश काफी ज्यादा हो रखी है यहां पर। और ये रहा अरमानी नहीं सॉरी शेफर्ड, दूर गेट के सामने बैठा है। अरमानी और छुटकी गेट के अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग आने रहे क्योंकि यहाँ पर थलाइवा बैठा हुआ है जो मेरे पीछे पीछे आया है। इसका खाना एक्चुअली हो गया है। एंड ये जो शेड है, ये शेड के यहाँ पर नयनतारा है, वो भी नहीं आ रही है क्योंकि थलाइवा है। तो यहाँ के 3 डॉग्स 4 डॉग्स तो है, शेफर्ड गेट के अंदर, अरमानी और छुटकी, और ये शेड के पास नयनतारा। सिर्फ हाईवे के डॉग्स नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और वो लोग शायद
किसी शेड के अंदर, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है दूर पे, शायद वहाँ पर छुपे हुए हैं। दूर पे दोनों जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख सकते हो लाइट जल रही है, वहाँ पर शेड भी दिख रहा है। शायद वहाँ पर आसरा लिए हुए हैं बरसात की वजह से। रात को निकलेंगे अभी तो आ जाएंगे, एंड उनके लिए हम लोगों ने खाना रख दिया है, सभी के लिए ज़्यादा खाना रख दिया गया है, चिकन अंडा राइस, ताकि सभी लोग आराम से खा लें, किसी को भूखा ना रहना पड़े, सभी का पेट भर जाए। इनफ क्वांटिटी ऑफ फूड हैज़ बिन सर्व्ड, ताकि यहाँ के आठों कुत्ते आराम से खा लें। अभी हम लोग निकलते हैं जुड़वा बहने, मोटा बाबू, ब्लैकी, कैमोफ्लेज और लैक्टेटिंग मदर के लिए। जैसे ही हम लोग निकलेंगे थलाइवा हमारे पीछे आ जाएगा, और शेफर्ड वगैरह, यहाँ के जो चार डॉग्स हैं, शेफर्ड, अरमानी, छुटकी और नैनतारा आके खा लेंगे। बाद में लेट नाइट हाईवे के डॉग्स भी आ जाएंगे। एक जून की रात, काफ़ी ज़्यादा बरसात है और हर जगह पानी ही पानी। ये फ्लॉट टू, ये हमारी जुड़वा बहनों में से एक बहन भीग गई है बेचारी। हर सभी के लिए खाना रख दिया गया है, चिकन अंडा और राइस, ताकि यहाँ पर जो छह डॉग्स है, ये उसकी जुड़वा बहन ब्लैकी, कैमोफ्लेज, बुजुर्ग बाबू और जो लैक्टेटिंग मदर है वो भी कैमोफ्लेज में है, तो वो भी खा लें। यहाँ पर फिलहाल तो एक ही मिली है, खाना सभी के लिए रख दिया गया है ताकि सभी का पेट भर जाए, सभी लोग खा लें। ये यहीं पर है, मतलब इसकी बहन भी यहीं पर होगी, ब्लैकी और कैमोफ्लेज भी यहीं पर होगा, ये चारों एक ही साथ रहता है, और ये मोटा बाबू भी, ये पाँचों साथ में रहता है। जो लैक्टेटिंग मदर है वो दूर पे ना, वहाँ पर तीन शिपिंग कंटेनर रखे हुए, आपको दिख नहीं रहे होंगे अंधेरे में, वो शिपिंग कंटेनर के नीचे उसने बच्चे दिए हैं, तो वो उसको आवाज़ तो लगाई गई है पर वो अब तक आई नहीं है। शायद वो डर रही है, शायद उसको लग रहा है बारिश अभी भी बाहर है, नहीं तो वो इमीडिएटली आ जाती है, वो लेट नहीं करती है, तुरंत निकल के आती है बाहर। तो आते वक्त हम लोग एक बार चक्कर मार लेंगे जो वो यहाँ पर दिखती है नहीं, लेकिन आ ही जाएगी, वो यहीं पर रहती है, बच्चे उसने यहीं पर दिए तो यहीं पर रहेगी, वो कहीं जाएगी नहीं। सो वी हैव केप्ट गुड अमाउंट ऑफ फूड फॉर एवरीवन, ताकि सभी लोग यहाँ पर खा लें, किसी को भूख ना लगे खाने के बावजूद। एक जून की रात और भयंकर बारिश हो रही है, अगर आप ये लाइट पे फोकस करोगे तो दिख सकता है जो कैसी बारिश शुरू है। हम लोग पूरे भीगे हुए हैं, पूरा बारिश शुरू है यहाँ, और सारे बाबुओं के लिए खाना रख दिया गया है, सारे बाबू लोग खा रहे हैं। सिर्फ ब्लैकी के दो भाई, तीन भाई और उसकी माँ नहीं है, वो भी आ जाएंगे, बाकी सारे बाबू लोग तो है। ब्लैकी सबसे पीछे है, वो देखिए सबसे पीछे ब्लैकी है। सभी बाबू लोग खा रहे हैं, सभी के लिए ज़्यादा ज़्यादा खाना दे दिया गया है ताकि सभी लोग खा लें। अभी हम लोग रोड के वो साइड जाएंगे क्योंकि वहाँ पर भी बाबू लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और उनको खाना डाल देंगे। ब्लैकी और उसके दो और भाई भी आ जाएंगे, वो भी खाना खा लेंगे अभी थोड़ी देर में। एक जून की रात, कैमोफ्लेज, पिटबुल, ब्लैकी का बच्चा, ब्लैकी और दूर वाइटी भी खड़ा है, उसकी आंखें चमक नहीं रही है, आप देखिए अब शायद चमके। भाई चलो एक देर से खेलो, चलो चलो अशोक चलो। सारे बाबू लोग हैं, उनको खाना भी परोस दिया गया है, बारिश हो रही है, खाना पिघल रहा है, आप लाइट में देख सकते हो।
खा शो ना खा। सभी के लिए ज़्यादा खाना रख दिया गया है, चिकन राइस और अंडा, पर इन लोगों ने जल्दी खा लेना चाहिए क्योंकि बारिश शुरू हो रही है और खाना पिघल के साइड में आ रहा है। चलो बाबू कहना, चलो आशो, चलो आशो। आगे कैमोफ्लेज और वाइटी भी है, वो लोग भी खा लेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे रास्ते की और आगे, वहाँ पर पांच बाबू है उनके लिए। एक जून की रात, काफ़ी तेज़ बारिश, आप देख सकते हो लाइट में कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और हमने यहाँ के डॉगीज़ के लिए भी खाना रख दिया है। ये हमारा तगड़ा बाबू आ गया, यहाँ पर और दो बाबू लोग हैं, ये देखिए उनकी आंखें आपको दिख रही होगी, पांचों में से तीन यहाँ पर है, ये देखिए आंखें चमक रही है उनकी। ये दोनों तो यहाँ पर है, ये वाला बाबू खाना खा रहा है, अभी और दो बाबू आने वाले हैं। एक और तगड़ा बाबू है जो अपने ऊपर हमेशा कूदता रहता है, ये देखिए ये दोनों बाबू यहाँ पर है। ओए ओए, वो देखिए उसकी भी आंखें चमक रही है। ओए ए देख, वो देखिए उसकी आंखें चमक रही है। ये दूसरा वाला जो लाइट में दिखेगा आपको अभी, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए। तो यहाँ पर तीन बाबू है, हम चौथे को बुलाने की कोशिश करते हैं। यू और सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना रख दिया गया है ताकि सभी लोग अपना खाना खा ले, किसी को कम ना गिरे, सभी का पेट भर जाए। अभी उसके बाद हम लोग जाएंगे एमएसबी वाले बाबू के पास और उनको खाना दे देंगे। खा शोना का। यू 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 यूजुअली हम लोग रास्ते के वो साइड खाना देते हैं, पर आज इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर लंबे लंबे खंबे हैं और आपके भाई को बिजली से बहुत डर लगता है। बारिश भी तेज़ हो रही है, देखिए आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, देखिए। और कहीं बिजली ना गिरे इसलिए हम लोग खंबों से दूर खड़े हैं। ये हाईवे है, और ये हमारी एक बाबू है। अरे बाबू दिखे, बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। कि रेशो ना भालो में ना, तुई भालो में ना खबर खैचिस, इसका खाना हो चुका है। कहीं भी हो, कहीं भी हो आ जाती है बुलाने पे। इसको हम लोगों ने न्यूट्रिंग करा दिया था लास्ट ईयर, देखिए इसका कान कटा हुआ है। बारिश हो रही है आज, बारिश का टाइम है, सभी का खाना डाल दिया गया है। टोटल 113 डॉग्स को डाले हैं स्लॉट वन स्लॉट टू में। अभी जा रहे हैं घर। दांत देखा, अरे दातू ले दातू दातू, गुड गर्ल, जागिए घुमाए पर जाओ, सो जाओ, जाओ किसी शेड में सो जाओ, ये कंस्ट्रक्शन जोन है ना यहाँ पर, यहाँ पर जाके सो जाओ। टाटा गुड नाइट। देखिए वो चली गई, सारे बकेट्स खत्म है हम लोगों के। 1st of June की रात, और ये जो खड्डा है यहाँ पर पेड़ के बीच में से सुरंग टाइप बनाया हुआ, यहाँ से वो लैक्टेटिंग मदर आती है जिसने बहुत चार पांच छोटे छोटे बच्चे दिए। ये साइड में ये जो लाइट जल रही है वहाँ पर एक टीन का शेड है, उसके वहाँ पर बच्चे दिए हैं। यूजुअली वो बच्चे देने की वजह से जो मेन डॉग्स है वो साइड में जो खाते हैं, 8-9 डॉग्स जिनका कमांडर ब्लैक एंड वाइट है, उनके साथ फिलहाल आ नहीं रही है। पहले उनके साथ खाना खाती थी आके, अभी बच्चों के साथ ही रहती है। ऊपर से आज बारिश भी तगड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर खाना रख दिया ताकि जब वो आए तो उसको खाना मिल जाए, पौष्टिक खाना खा के अपने बच्चों को ठीक से दूध पिला पाए। तो उसका एंट्री यहाँ, ये साइड आने का जगह ये है, या तो ये वाले सुरंग से आती है या फिर ये वाले सुरंग से आती है। तो जब यहाँ से आएगी तो उसको स्मेल आ जाएगा चिकन का अंडे का, तो आके सीधा वो अपना खाना खा लेगी और उसको पेट भर जाएगा। आई जस्ट होप वो जल्दी आके खा लेती है, इस बारिश ना होने तो पूरा खाना धुल जाएगा। मिली तो नहीं है इसलिए ये फेड रख दिया है, अब सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं जो वो आके खा ले। जून की रात, बरसात, और ये है हमारा ब्राउनी जिसने बच्चे दिए हैं।
ये ब्लैकी है, थलाइवा है, ये सब लोग आज शेड में बैठे हुए हैं। थलाइवा भीग गया, तुम भीग गया तो शेड में बैठो, तुम घूमते क्यों हो बाहर रास्ते पे? ए ब्लैकी, ब्लैकी इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। और यहाँ पर वो ब्राउनी का बच्चा है, वो देखिए। ओए ब्राउनी का बच्चा, इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो तुम? वो देखिए, तीन बच्चे आ गए ब्राउनी के। भाई नो, एकदम छोड़ा ना, चला देखिए। एंड सभी के लिए यहाँ पर खाना रख दिया गया है। Would have been kept for everyone, ताकि सब लोग आराम से अपना खाना खा ले, किसी को कम ना हो खाना, बाकी के बच्चे लोग भी आके खा लेंगे। अभी चलते हैं हम लोग ईस्टर्न हाईवे की तरफ, जहाँ पर अरमानी वो सब है, शेफर्ड वगैरह और हाईवे के डॉग्स। जून की रात, बारिश वाली रात, ये हमारे MSCB के बाबू एक वहाँ बैठा हुआ है, निगरानी रख रहा है, जो कोई कहीं से आ तो नहीं रहा है, कोई दूसरा डॉगी। और ये हमारी दूसरी डॉगी, इनके लिए खाना रख दिया गया है, ये आराम से अपनी खा रही है। ये भी देख रही है पीछे मुड़ के, कहीं कोई दूसरा डॉगी तो नहीं आ रहा है। फुल बारिश हो रही है, देखिए आपको लाइट में दिखेगा कैसे बारिश गिर रही है। और वो डॉगी वहाँ बैठी हुई है, ये रही, तो ये भी आके खा लेगी जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे वैसे ही। तो अभी हम लोग चलते हैं, आज दैट इज डन फॉर 1st of June। टोटल 113 डॉग्स फेड इन बोथ द स्लॉट्स। आफ्टरनून सॉफ्ट राउंड में 79 प्लस 2 81 डॉग्स निकाले थे। और ये नाइट स्लॉट, खा बाबू, दो जून, भयंकर बारिश, बहुत तेज़ बारिश है। खाना सबके लिए ज़्यादा ज़्यादा रख दिया गया है, चिकन अंडा और राइस, ताकि सभी लोग आराम से खा लें। ये ब्लैकी जो राजू की छोटू की माँ है, ये थलाइवा है, यहाँ पर एक ब्राउनी है, वो देखिए, वो शायद आपको नहीं दिखेगा, उसकी आँखें दिख रही है, वो ब्राउनी है। ये और एक ब्राउनी है जिसके तीन बच्चे भी है, तो ये भी खा लेगी तो अपने बच्चों को पौष्टिक दूध पिला पाएगी। हम लोग देखते हैं इसके बच्चे आपको दिखा पाते हैं या नहीं। हाँ है, वो देखिए वहाँ पर इसके बच्चे हैं जो भाग रहे हैं, अंधेरे में नहीं दिखेगा आपको। वो रही ब्रायन ब्राउनी, इसका एक छोटू सा बच्चा ये साइड आ गया है, ये देखिए भाग रहा है, वो भी आके अपना खाना खा लेंगे। छोटू भी आ जाएगा, राजू भी आ जाएगा, और सभी लोग अपना खाना लेंगे। खा, 2 जून की रात, और यहाँ पर बारिश हो रही है, आप ये पानी में देख सकते हो। आज यहाँ पर काफी भयंकर बारिश हुई है, मुंबई में निसर्ग तूफान आ रहा है और यहाँ पर बारिश पड़ रही है। ये देखिए पानी में, अगर आप देख सकते हो तो समझ पाओगे। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं बच्चों को खिलाने के लिए, एंड सारे बच्चे लोग यहाँ पर है। बैग भी हमारी भीग गई है पूरी, ये उसकी मासी, ये माँ, ये बच्चे, वो पीछे और एक वाइट बच्चा आ रहा है। उसके बाद निकलेंगे हाईवे, फिर ईस्टर्न हाईवे। दो जून की रात, काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पर आज, सारे बाबू लोग यहाँ पर हैं। अब देख सकते हो लाइट में, अगर आपको बारिश दिखेगा तो। फुल बरसात है और हमारे बाबू लोग भी यहाँ पर हैं, और हमने सभी के लिए खाना रख दिया गया है ताकि सभी को खाना मिल जाए।
चिकन अंडा राइस सभी लोग खा लेंगे, सभी का पेट भर जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और राजू छोटू ब्लैकी ब्राउनी उनके पॉइंट पे जाके खाना दे देते हैं। बीच में 7-8 इंडिविजुअल डॉग्स हैं, उनको भी दे देंगे। सेकेंड ऑफ जून, काफ़ी भयंकर बारिश। ये रहा शेफर्ड जो गेट के सामने बैठा हुआ है। गेट के अंदर अरमानी और छुटकी है और ये शेड के सामने ये जो बाइक रखी है उसके पीछे नयनतारा है। नयनतारा, छुटकी और अरमानी बाहर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर थलाइवा है जो हमारे पीछे पीछे आया है, जिसका खाना हो चुका है। स्टिल ही कीप्स ऑन फॉलोइंग हाईवे के। अब तक कोई डॉग्स आए नहीं है, शायद वो लोग कंस्ट्रक्शन जोन के पीछे है। भयंकर बारिश हो रखी है और हम लोगों ने यहाँ पर सभी के लिए खाना सर्व कर दिया है ताकि सभी का पेट भर जाए, कोई भूखा ना रहे। चिकन अंडा राइस फूड हैज़ बीन सर्व्ड इन इनफ क्वांटिटी ताकि सारे बाबू लोग खा लें, किसी को खाना कम ना हो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और 7-8 इंडिविजुअल डॉग्स को फीड करने के बाद दो बहनें ब्लैकी कैमोफ्लेज मोटा बाबू और ब्लैकी वाले ग्रुप को खिलाएंगे। सेकेंड ऑफ जून, काफ़ी ज़्यादा बरसात है। यहाँ पर दोनों जुड़वा बहनों में से सिर्फ फिलहाल एक ही जुड़वा बहन मिली है, ब्लैकी कैमोफ्लेज। दूसरी जुड़वा बुजुर्ग बाबू, ये पांचों का गुट है, ये गुट में रहते हैं। बाकी के चारों शायद अंदर बैठे हुए हैं कंस्ट्रक्शन जोन में बारिश से बचने के लिए, क्योंकि बाहर अभी भी बारिश हो रही है। अगर आप ये पानी के और देख सकते हो तो, अगर आप लाइट में भी देखोगे दूर तो आपको दिखेगा जो बाहर कितना बारिश हो रहा है। देखिए फुल बारिश चालू है बाहर, हम पूरे भीग गए। आवाज़ देने के बाद सिर्फ यही निकल के आइए, बाकी के बाबू लोग भी आ जाएंगे जैसे ही थोड़ी बारिश कम होती है। लैक्टेटिंग मदर भी आ जाएगी, वहाँ पर शिपिंग कंटेनर रखे हुए हैं, उसके नीचे उसने बच्चे दिए, वो भी आके खा लेगी। यू वो देखिए दूर, अगर आप आके देख सकते हो तो दूर दो आँखें चमक रही है, मतलब लैक्टेटिंग मदर आ रही है बाहर। अभी लैक्टेटिंग मदर उधर है, दिख गई है वो, शी इज़ देयर शेड के सामने। तो वो भी आके अभी खा लेगी। खाना सभी के लिए चिकन अंडा राइस ज़्यादा क्वांटिटी में रख दिया गया है ताकि सभी का पेट भर जाए, कोई भूखा ना रहे। अभी हम लोग चलते हैं हाईवे के डॉग्स को खिलाने के लिए। 2 जून, भयंकर तेज बारिश, हर जगह बहुत पानी और ये हमारे सारे बाबू लोग, इनके लिए खाना रख दिया गया है। ये ब्लैकी का बच्चा है, ये ब्लैकी है और उसके दो और भाई अभी तक नहीं आए, उसकी मम्मी और दो भाई अब तक नहीं आए हैं। बाकी जितने भी बाबू लोग हैं सारे हैं, बच्चे लोग भी हैं। एक बच्चा नीचे से दिखेगा आपको, ये देखिए उसका मुंह, एक बच्चा वो रहा, एक बच्चा ये माँ के पीछे है, देखिए ये दोनों बच्चे। तो सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना रख दिया गया है ताकि जब सब आ जाए सभी को खाना मिले, तो किसी को कम ना पड़े, सब खा ले। ये ब्लैकी का बच्चा, ब्लैकी और उसके दो बच्चे वह भी आ जाएंगे। तो अभी हम लोग हाईवे के वो साइड चलते हैं क्योंकि वहाँ पर भी बाबू लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो देखिए, और उनको जाके खाना दे देते हैं। दो जून, फुल बारिश, ब्लैकी की माँ खा रही है। 2 जून, फुल बारिश हो रही है। ये हमारे तीनों बच्चे कैमोफ्लेज पिटबुल और ब्लैकी, आगे वो फाइट के बाबू है जिनको खाना दिया गया था, और ये जो ब्लैकी है, ये जो कैमोफ्लेज है, और ये जो पिटबुल है ये अपने यहाँ के बच्चे हैं, ये वाइटी। बारिश फुल हो रही है, देखो आपको लाइट में दिख रही होगी। ये हमारे आया बुवा, और खाना दे दिया गया है, ब्लैकी की माँ खा रही है ये साइड में। जल्दी खा लो बाबू, बारिश आ रही है, पिघल जाएगा खाना, जल्दी खा लो, चलो। वो साइड के सारे बाबू का खाना हो गया है, कोई भी एक बचा नहीं है, सबका खाना हो गया, लेकिन वो लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं।
तो हम लोग उनको हका लेंगे वो साइड। भाई चलो देखिए जा, चलो देखिए जा, चलो चलो भाई जगह क्या चेक करें, चल एकदम हो चल तू ही हो, जाओ दीजिए चल जा 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 चल दीजिए हट चलो। उनको भी जोश मिल गया, ये लक्ष्मण रेखा, वो लोग ये साइड नहीं आते, ये लोग वो साइड नहीं जाते। बारिश तेज हो ही जा रही है, अभी हम लोग सीधा रोड की वो साइड जाएंगे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, और वहाँ के बच्चों को खाना दे देंगे। दो जून की रात, काफ़ी तेज़ बारिश, देखिए आप बारिश देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, लाइट में दिखेगा आपको। और यहाँ पर ये देखिए, ये दो बाबू यहाँ पर है, ये देखिए ये दो बाबू यहाँ पर है, तीसरा बाबू यहाँ पर है, और एक तगड़ा बाबू आता है जो हमारे ऊपर कूदते रहता है, वो बाबू अभी तक नहीं आया है। सभी के लिए खाना डाल दिया गया है ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि सभी लोग खाना खा ले, चिकन राइस और अंडा, किसी को कम ना गिरे। खा सोना खा, हमारा और एक बाबू भी आ जाएगा, वो भी खा लेगा, एक चुटकी सी है वो भी आ जाएगी, वो भी खा लेगी, और जो दो यहाँ पर है वो भी आके खा लेंगे। खाओ सोना, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, धनाधन बारिश। खाओ बाबू खाओ, सेकेंड जून फुल बारिश। ये एमएसबी के बाबू लोग हमारे, एक ये रहा और एक ये रही, ये भी आके खा लेगी, फिलहाल ये निगरानी रख रही है, जो कोई और डॉग कहीं से तो इनके टेरिटरी में नहीं आ रहा है। और बारिश तेज़ हो रही है, आप लाइट में देख सकते हो कैसी बारिश हो रही है। गिरी जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश। और बाबू के लिए हम लोगों ने यहाँ पर खाना रख दिया है, ताकि दोनों बाबू आराम से खा ले, आराम से खा सोना खा खा, चिकन राइस अंडा मिक्स। जैसे ही हम लोग निकलेंगे, वो जो बाबू है ये देखिए बैठी हुई, ये भी आ जाएगी और खा लेगी। सो दैट्स द एंड ऑफ 2nd of June। टोटल 113 डॉग्स ने खाना खाया स्लॉट 1 स्लॉट 2 में। स्लॉट 2 के भी सारे बकेट्स खाली हो चुके हैं, यहाँ पर 3 बकेट, ये चौथा ये पांचवा बैग पूरी भीग चुकी है। अभी निकलते हैं घर, नहा के सोते हैं, ठीक है ना बाबू? और तुम हीरोइन भाई चलो तुम भी आ जाओ खा लो। सारे बकेट्स ख़त्म है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों ख़त्म हो गए। यहाँ पर इन बाबुओं के लिए खाना रख दिया गया था, आज 2 जून है, अभी तक फ़िलहाल 2 बाबू ने ही खाना खाया है, बाकी 3 अभी आने वाले हैं। ये जो यहाँ पर शिपिंग कंटेनर्स आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे अंधेरे की वजह से, यहाँ पर 3 शिपिंग कंटेनर रखे हुए हैं, उसके नीचे कैमोफ्लेज वाले लैक्टेटिंग मदर ने बच्चे दिया, तो उसका खाना बाकी है, बुजुर्ग डॉगी का खाना बाकी है, इसकी बहन जो है जुड़वा उसका खाना बाकी है, और ब्लैकी का खाना बाकी है, सिर्फ इसने खाया है और दूसरे वाले मेल कैमोफ्लेज ने खाया है, तो वो लोग भी अभी आके खा लेंगे। हो रही है बारिश, चलते हैं घर, सारे बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है आज, अभी भी बारिश हो रही है, आप देख सकते हो लाइट में। ये बच्चे पूरे भीग गए हैं। दिस इज स्लॉट 1, यहाँ पर भी पानी होता है, ये पानी है डॉग्स को पानी देने के लिए।
अभी स्लॉट वन के लिए निकल रहे हैं, फिर घर आके स्लॉट टू। 3 जून, तूफान की बात की खामोशी, बारिश रुक गई है, थोड़ा लेट निकले क्योंकि रात भर बारिश हुई है। और ये हमारा लेबर कैंप एरिया, सारे बाबू लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को खाना दे दिया गया है, ज़्यादा ज़्यादा खाना ताकि सभी का पेट भरा रहे, किसी को दिक्कत ना आए, सब बाबू लोग आराम से खा लें। यहाँ पर ब्राउनी, वाइट फरी, ब्राउन एंड वाइट कैमोफ्लेज, 2 ब्लैकी सब है। यहाँ पर एक कैमोफ्लेज भी है, ये मिलिट्री है जो कि वो साइड में रहता है, लेकिन वहाँ है खाना के लिए, तो उसको भी हम लोग जाते वक्त आगे की तरफ खाना दे देंगे। फिलहाल तो ये लोग खा रहे हैं, आराम से खा लेंगे। बाकी के भी एक वाइटी और एक वाइट एंड ब्राउन नहीं आया है, वो लोग जहाँ तक मुझे मेरे न्यूज़ में आया है, ये जो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये बिल्डिंग में शेल्टर लिए हुए थे रात में क्योंकि काफ़ी बारिश थी। तो अभी जब निकलेंगे तो वो लोग भी आ जाएंगे और सब अपना खाना खा लेंगे। अभी हम लोग निकलते हैं बच्चों को खाना देने के लिए और उसके बाद मिलिट्री को भी दे देंगे। तीन जून की सुबह, रात भर काफ़ी बारिश और तूफान आया है, इसीलिए जो है थोड़ा सुबह निकले हम, हर जगह कीचड़ पानी जमा हुआ है। तो बच्चों को खाना दे दिया है, बच्चों की माँ माफी और वाइट बाबू नहीं है, वो लोग भी आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद, और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा खाना दे दिया गया है ताकि सभी लोग आराम से खा लें, किसी को दिक्कत ना आए। इसको हम जो कमांडर है उसको भगाते हैं, कमांडर शर शर शर, ठीक है। कमांडर बच्चों को खाना नहीं देगा जबकि कमांडर के लिए हम आगे खाना रखेंगे, उसके बाद हम लोग कमांडर के और उसके ग्रुप को ही खाना देंगे। शट, ये डंडे से इसको डर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो बच्चों को खाना नहीं देगा। तो पहले एक बार बच्चे खा लें पेट भर के, उनकी माँ और मासी भी आ जाएगी। यहाँ पर एक लैक्टेटिंग मदर और रहती है, उसके लिए हम लोग अलग से खाना रखते हैं, पर वो भी अगर आ गई तो अच्छी बात है। खाओ बाबू, उसके बाद हम लोग चलते हैं कमांडर और उसकी टीम को खाना देने के लिए। और जो सफ़ेद छोटा बाबू है वो शिपिंग कंटेनर के नीचे है, आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाई ही इज़ नॉट, व्हाई ही हैजंट कम, बट ही इज़ हियर एज यू कैन सी। ओए बाबू चल खा भी, चल चल खा भी, चलाए चलो खा बाबू, चलो आशा। तो शायद इसको एक्चुअली सारे बच्चे बहुत डराते हैं, तो जैसे ही इन सभी का खाना हो जाएगा तो वो जाके अपना खाना खा लेगा। और यहाँ पर देखिए सारे बच्चे घूम रहे हैं, सभी का खाना हो गया है। तो यहाँ पर कमांडर भी है, अभी हम लोग इनको खाना दे देंगे रोड पे जाके, तो वो सफ़ेद बाबू भी आके खा लेगा। इन दोनों की माँ और मासी भी आ जाएगी और वो भी खा लेगी, खाना काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है अभी भी, इसलिए ज़्यादा खाना देते हैं ताकि किसी को कम ना पड़े, कोई पीछे से भी आए तो उसको भी मिल जाए। वो देखिए वो सफ़ेद बाबू बाहर आया है, तो अभी वो भी आके अपना खाना लेगा खा। तो अभी चलते हैं कमांडर और उसकी टीम को खाना देने के लिए। और ये लोग तब तक खा लेंगे, इनकी माँ मासी भी आ जाएगी और वाइट वाला बाबू भी आ जाएगा। और ये हाईवे के डॉग्स यहाँ पर आज 2 ही है, बाकी के जो सारे डॉग्स है वो कहीं छुपे हुए हैं क्योंकि रात भर काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर झाड़, जो पेड़ वगैरह भी गिर गई है। सो दे आर टेकिंग, दे हैव टेकन शेल्टर समवेयर,
एक तो दूर दिख रहा है, अगर आप देख सकते हो ना ध्यान से, तो ये देखिए एकदम स्ट्रेट जो बाइक खड़ी है उसके सामने एक बैठा हुआ है। तो उसने ये बिल्डिंग में शेल्टर ली थी मतलब। तो एक तो यहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी आ जाएगा, वो देखिए अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप देख पाइएगा बाइक के सामने बैठा हुआ है। एंड बाकी के भी कहीं शेल्टर लिए हुए हैं, जैसे ही थोड़ा टाइम जाएगा वो लोगों को अपने डर से बाहर आएंगे तो सारे आ जाएंगे एंड सारे आके अपना खाना खा लेंगे। यहाँ पर फिलहाल कमांडर है और ये वाला बाबू है जो काफ़ी पतला था, बाकी और 7 या 8 बाबू लोग होने चाहिए पर कोई है नहीं, जो कि आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। देखिए सारे पेट वगैरह गिर गए यहाँ के, उन सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना दे दिया गया है ताकि जब ये बाबू लोग आए तो अब ये लोग आराम से अपना खाना खा ले, किसी को कम ना पड़े, सभी का पेट भर जाए, सब लोग खा लें। तो अभी उसके बाद हम लोग निकलेंगे राजू छोटू ब्लैकी ब्राउनी थलाइवा वाले पॉइंट पर, उसके बीच में 7-8 इंडिविजुअल डॉग्स हैं उनको कवर करेंगे, फिर ग्रुप कवर करेंगे। तो ये है ब्राउनी, ये काफ़ी डरता है। राजू थलाइवा नहीं दिख रहा है, दोनों ब्लैकीज नहीं दिख रहे हैं, ये वाला ब्राउनी है, छोटू है, दूसरा ब्राउनी है, उस ब्राउनी का एक बच्चा है, उसका दूसरा बच्चा इसी शेड के अंदर है, मतलब बाकी के 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं इसके टोटल। और सभी अपना खाना एकदम आराम से खा रहे हैं, सभी के लिए ज़्यादा खाना रख दिया गया है ताकि सभी का पेट भर जाए, किसी को खाने की कमी ना हो, सभी लोग आराम से खा लें। अभी जब थलाइवा राजू, ओए राजू छोटू एकदम चुपचाप खार खाएगा ना, तो अभी जब ब्लैकी थलाइवा आएंगे तो उनको भी खाना मिल जाएगा, उनको भी कमी नहीं होगी। ये देखिए एक बच्चा है, ऐसे और 2 बच्चे हैं, तो वो भी आके खा लेंगे, तो सभी को खाना मिल जाएगा, किसी को कमी नहीं होगी, सब आराम से सो लेंगे। काफ़ी लेट से निकले हैं आज क्योंकि रात भर तूफान हुई है, बारिश हुई है, बिजलियाँ कड़की है, पेड़ वेड़ गिरे हैं, तो इनको खिलाने के बाद वी विल गो टू, ये देखिए ये दूसरा बच्चा है, वो देखिए जो भाग रहा है छोटू सा, तो अभी वो भी आ जाएगा। ये ब्राउनी बार बार बकेट से खाने आता है। तो अभी इसके बाद हम लोग अभी 5-6 इंडिविजुअल डॉग्स को खिलाएंगे एंड बाद में जाएंगे ईस्टर्न हाईवे की तरफ जहाँ पर शेफर्ड अरमानी वगैरह रहता है। ये है देखिए बाकी के 2 बच्चे, ये एक्चुअली मेल है ठीक है, तो उसके साथ ही घूम रहा है, शायद वो पापा होगा। तो ये बाकी के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो यहाँ पर है, वो देखिए उसके माँ के पीछे, तो इनकी माँ वो है, और बाकी के 2 रहे ये थलाइवा और ब्लैकी भी आ गए, तो अभी वो लोग भी खाना खा लेंगे। सिर्फ एक ब्लैकी और छोटू बाकी है, बाकी सारे यहाँ पर हैं, दूसरी ब्लैकी भी आ जाएगी, राजू, तो एक और ब्लैकी गायब है, वो आसपास कहीं होगी, पीछे काफ़ी बड़ा मैदान है वहाँ पर बैठी होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। और राजू बाकी है, राजू 5-6 दिन से गायब है शायद, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मेटिंग सीज़न है, शायद किसी फीमेल के पीछे गया है, कुछ दिनों बाद आ जाएगा, आ जाना चाहिए। यूजुअली होता क्या है मेटिंग सीज़न में लोग काफ़ी दूर दूर निकल जाते हैं, आ भी जाते हैं वापस वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये बच्चा दूर दूर क्यों भाग रहा है, वो आके खा लेगा अभी, सभी लोग खा रहे हैं। अभी हम लोग कुछ इंडिविजुअल डॉग्स को खिला के जाते हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ, छोटू राजू शेफर्ड अरमानी उन सबको खिलाने के लिए। वो देखिए बच्चा आ गया, वो तीन जून की सुबह यहाँ पर काफ़ी तूफान आया था कल, तूफान की बात की शांति है। ये देखिए और एक हाईवे का डॉग देख रहा है दूर से, तो यहाँ पर सभी को खाने के लिए डाल दिया गया है। नयनतारा है, छुटकी है, हाईवे का वाइट फीमेल डॉग है, शेफर्ड है, पीछे भी हाईवे का डॉग है,
ये जो डॉग है ये भी हाईवे का है। यहाँ पर अरमानी नहीं है और तीन डॉग नहीं है हाईवे के, वो भी आ जाएंगे शायद कहीं। ये जो एरिया है शायद यहाँ पर शेल्टर लिए हुए हैं, और अरमानी तो अंदर शेल्टर लेता है, अरमानी को अंदर भी अलाउड है, लोग भी काफ़ी प्यार करते हैं उससे, तो वो अंदर है। छुटकी यहाँ पर है, वो भी खा लेगी। ए छुटकी, देखिए हाईवे का दूसरा डॉग आ गया, शेफर्ड, नयनतारा, सभी लोग हैं, छुटकी भी है, अरमानी भी आके खा लेगा। ये देखिए सब टूट टूट गया है ये तूफान से, आगे का तो पूरा सब टूट गया है, शेड वगैरह देखिए सब टूट के गिरा हुआ है। तुम बकेट से क्यों खाओगे, तुमको दिया गया है ना पेपर पे बाबू, जाओ वहाँ से खा लो, जाओ वहाँ से खा लो, जाओ। अभी और 5-6 इंडिविजुअल डॉग्स खिलाने हैं, उसके बाद जंक्शन पे क्या, जंक्शन के आगे तक और 7-8 इंडिविजुअल डॉग्स है, तो 10-12 इंडिविजुअल डॉग्स है। उसके बाद हम लोग जो जुड़वा बहन ब्लैकी कैमोफ्लेज मोटू फॉर डॉगी लैक्टेटिंग मदर, उनके ग्रुप को डाल देंगे। 3 जून, बरसात की सुबह की सुबह, वो देखिए कैमोफ्लेज वाला बाबू वहाँ बैठा हुआ है, ब्लैकी और दोनों बहनें यहाँ से खा रहे हैं, लैक्टेटिंग मदर यहाँ से खा रही है, बुजुर्ग बाबू यहाँ पर बैठा हुआ है। कि रे बुजुर्ग बाबू तुम भी खा लेना अभी आके, ठीक है, तुमको हम दूर इसलिए बिठाया ताकि ये लैक्टेटिंग मदर खा पाए आराम से, उसके बाद तुम आके खा लेना। लैक्टेटिंग मदर भी आराम से खा रही है, ये रहे दोनों बहनें और ब्लैकी, ये भी आराम से खा रहे हैं। दूर देखिए कैमोफ्लेज बैठा हुआ है, वो भी आराम से खा रहा है। बैठा हुआ है, आके खा लेगा, इनफैक्ट नींद नहीं हुई तो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। और ये रहा बुजुर्ग बाबू, ये काफ़ी बुजुर्ग है, 13-14-15 साल की उम्र तक था, इसको ठीक से चलने भी नहीं आता है, काफ़ी धीरे धीरे चलता है। अभी हम लोग जाएंगे हाईवे पे और वहाँ के बाबू को दे देंगे खाना। चलो 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 आशो चलो, यहाँ पर बच्चा है, यहाँ पर बाबू है, ये देखिए यहाँ पर एक बाबू निकल गया, यहाँ पर ब्लैकी है, सारे बच्चे हैं, यू इनको भी लेके चलते हैं खाने के पास। चलो चलो चलो, यू 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 चलिए चलो, है ना यू, यहाँ पर खाना रख दिया गया है, ओए चलो यू, इनको लाके बताना पड़ेगा वरना ये समझेंगे नहीं, तो इनको लाके बताते हैं ताकि ये लोग समझ जाए जो खाना कहाँ पर रखा हुआ है। चलो चलो चलो, देखिए जैसे हाथ में बकेट लिया सब पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखिए वहाँ पर भी एक बाबू बैठा हुआ है, ये हमारा बॉस कमांडर। चलो खेनो चलो आशो यू खेनो, सभी के लिए ज़्यादा खाना रख दिया गया है। ये बाबू यहाँ खा रहा है, वो देखिए आगे ब्लैकी है, ये यहाँ पर दो बाबू है, ये यहाँ पर एक बाबू है, ये यहाँ पर ये वाली बाबू है, वहाँ से एक ब्लैक बाबू और आ रही है, आप देख सकते हो रास्ते पे, शी इज़ कमिंग दिस साइड, तो वो भी आके खा लेगी। सारे बाबू लोग आके अभी खा लेंगे। उनके बच्चे भी आ जाएंगे, वो भी खा लेंगे। ये देखिए तो चढ़ चढ़ के खा रहे हैं बाइक पे। हाय हाय, जाओ पेपर से खा लो, जाओ जाओ पेपर से खा लो, चलो चलो बाबू लोग पेपर से खा लो, चलो।
जाओ पेपर फेंका लो। चलो चलो चलो, वो देखिए ब्लैकी का बच्चा भागते हुए आ रहा है। चलो चलो, उसने हमारी गाड़ी देख ली है जो यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। जैसे ही गाड़ी देखा वो आ गया भागते हुए, और हम लोगों ने यहाँ पर खाना रख दिया है। देखिए वो सब खा रहा है, यहाँ पर ब्लैकी खड़ा है। सो दिल भी हार्ड टू फूड नाउ। तो सारे लोग आके अपना खाना खा लेंगे धीरे धीरे, जितने भी और बच्चे हैं वो लोग भी आ जाएंगे और वो भी खा लेंगे। यहाँ पर ब्लैकी खड़ा है, ब्लैकी का बच्चा ये रहा। एक और डॉग, ब्लैकी का एक और बच्चा आगे है, वो भी आ जाएगा अभी खाने के लिए, उसने भी देख लिया है। जा सोना खेने जा, खबर खा चौकने खेने जा। तो अब ये लोग आके खा लेंगे। देखिए ब्लैकी आ रही है दूर से उसके बच्चे को देख के। अभी हम लोग हाईवे के वो साइड जाएंगे और वहाँ के बाबू को खाना दे देंगे। 3rd of June, सारे बाबू लोग यहाँ पर हैं। हाईवे के ये साइड के बाबू सभी को खाना दे दिया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा खाना दे दिया गया है ताकि सभी आराम से खा ले, किसी को भी तकलीफ ना हो, कि कोई भी भूखा ना रहे। चिकन एग राइस, देखिए सब कैसे ताव मज़े से खा रहे हैं। ये बकेट में देख रहे हैं, ब्लैकी हमारे पीछे है। ब्लैकी भाई, बाकी ये लोग मस्त खा रहे हैं। हाँ रवि, जैसे ही इनका खाना हो जाएगा ये भी खा लेंगे। किशनू अभी हम लोग हाईवे से ये साइड जाएंगे एकदम आगे, और वहां पर 5 बाबू हैं उनको खाना दे देंगे। चलो वाइटी, चलो पिटबुल, गुड बॉय वाइटी, गुड बॉय। हे वाइटी, फिर वाइटी पिटबुल, ओले बाबू, ओले बाबू, ओले बाबू, ओले बाबू, ओले बाबू। चलो चलो खाबो, चलो आशो, चलो खाबो, चलो चलो खाबो, चलो आशो, चलो। ओए कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज किरे बाबू, खेने चल, खेने खेलो सभी, चल और ये हमारे ये हाईवे वाले साइड के 5 बाबू। ये देखिए यहाँ पर 2 है, ये तीसरा है, ये हमारा 4th बाबू है। अरे बाबू ले, गुडनी ले, सोनू ले, अरे गुड बॉय रे, गुड बॉय। आज है 3 June, तूफान की बात की सुबह सब फटवट गया है। और 5वां बाबू जो है वो एकदम दूर बैठा हुआ है, ये वॉशिंग सेंटर के सीमेंट के ऊपर, इफ यू कैन सी, जहाँ से वो पतला सा सीढ़ी स्लोप टाइप है उसके ऊपर, देखिए वो, देखिए अपने सिर उठाया उसने, तो वो भी आ जाएगा खाने के लिए। सारे बाबू लोग यहाँ हैं, ये भाई साहब यहाँ पर है, खाना सभी के लिए रख दिया गया है ताकि सभी लोग खा ले, किसी को कम ना पड़े। क्यों सुनू खेने चल, क्यों खेने खेने चल। सभी हम लोग जाएंगे MSEB के बाबुओं की तरफ और उनको दे देंगे खाना। ये आगे पेट्रोल पंप है, यहाँ के सारे बाबू लोग हैं, ये देख रहा है दूर से, तो वो भी आगे खाना खा ही लेगा। बाकी सारे बाबू तो यहाँ है। ये भाई साहब टी शर्ट खराब कर रहे हैं। हर जगह बारिश, भीगे रोड, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय।
अभी सारे बाबू लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग MFEB की तरफ और वहाँ के दोनों बाबुओं को खाना दे देते हैं। 3 जून तूफान के बाद काफ़ी जगह काफ़ी कुछ गिर गया। देखिए वो शेड गिर गया है और ये हमारे MFEB के दोनों बच्चे, दोनों हीरोइन यहाँ पर इसलिए बैठे क्योंकि आगे ये दो हीरोइन बैठे हैं जुड़वा बहन, इसलिए ये लोग अपना एरिया डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको हम लोगों ने खाना यहाँ पर दे दिया है, दोनों के लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में खाना रख दी गई है ताकि ये लोग अभी खा लें। और जैसे ही हम लोग अभी निकलेंगे, निकलते वक्त हम लोग ये दो बाबुओं को आगे लेके जाएंगे और जैसे ही ये लोग आगे चले जाएंगे इनको लग जाएगा जो अपना एरिया प्रोटेक्टेड है तो ये लोग आके अपना खाना खा लेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम 3rd of June। दोनों स्लॉट्स पूरे, दोनों स्लॉट में टोटल मिला के आज वैसे कम डॉगीज़ ने खाना खाया है। यूजुअली हम लोग 110 से 115 के बीच में खाना खिलाते हैं, आज 106 डॉगीज़ मिले हैं। तो दोनों स्लॉट में 106 डॉगीज़ ने खाना खा चुके हैं ये हमारे MFEB के दोनों बाबू। जैसे ही हम लोग निकलेंगे आके खा लेंगे, इनको हम लोग आगे लेके जाएंगे क्योंकि इनके डर से ये लोग नहीं खा रहे हैं। खाना दोनों के लिए परोस दिया गया है, चिकन, अंडा और राइस। सभी चलते हैं घर और सोते हैं। 3rd June एंड राजू आ गया है वापस। दोनों ब्लैकी भी है, ब्राउनी भी है, थलाईवा छोटू दूसरा ब्राउनी वहाँ बैठा हुआ है, उसका एक बच्चा भी दिख रहा है, वो देखिए दो बच्चे दिख रहे हैं अब तो। रेस्ट ऑल द किड्स आर हियर। दोनों ब्लैकीज भी है। ये क्यों गाड़ी के पीछे भागते हैं यार हर बार, कभी कुछ हो ना जाए इनको, यही डर लगा रहता है। दिस इज इनसेन, यू नो द वे दे रन बिहाइंड द व्हीकल्स। नॉट ऑल ड्राइवर्स आर एज गुड एज यू आर। कुछ कुछ लोग साइड में गाड़ी ले लेते हैं और ये लोग सीधा चक्के के अंदर आ जाता है। वो देखिए पीछे शेफर्ड भी देखने आ गया है कौन क्या झगड़ा कर रहा है। ये देखिए एक ब्राउनी इधर है, छोटू इधर है, थलाईवा इधर है, राजू दोनों ब्लैकीज इधर है। ये थलाईवा गुड बॉय गुड बॉय। राजू चलो जाके बैठ जाओ एक जगह पे, चलो राजू। सो राजू इज फाइनली हियर व्हिच इज अ गुड न्यूज, लेट्स गो होम।